दोस्तों स्वागत है एक नए व्लॉग में। आज हैं ऋषिकेश के अंदर और आपको दिखाएंगे नीर वाटरफॉल। ऋषिकेश शहर से ये वाटरफॉल महज 5 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन ऋषिकेश से ये लगभग 10 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ आसानी से ट्रैकिंग करके पैदल भी आ सकते हैं, लेकिन अपनी सवारी से आ रहे हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि ऋषिकेश जो है एक ठंडा हिल स्टेशन नहीं है, यहाँ पर काफ़ी गर्मी रहती है। तो अगर कोई एक अच्छी डेस्टिनेशन आपको नहाने के लिए मिल जाती है तो आपका ट्रिप जो है वसूल हो जाता है। तो इस लिहाज से नीर वाटरफॉल एक मस्त जगह है। अगर आप ऋषिकेश आते हो तो इस वाटरफॉल को ज़रूर विज़िट करो। दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रही है ये नीर वाटरफॉल की टिकट विंडो है और एक भारतीय नागरिक का जो टिकट है जो शुल्क है वो 30 रुपये है। यानी 30 रुपये देकर आपको एक टिकट मिल जाता है जिसके ज़रिए आप इस वाटरफॉल में एंट्री कर सकते हो। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी बड़े बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें कुछ नियम लिखे हुए हैं जिन्हें आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो इन नियमों का ज़रूर पालन करो क्योंकि जब भी आप किसी अच्छी जगह पर जाते हो, विज़िट करते हो, ख़ास तौर से पहाड़ों में, तो वहाँ के जो नियम हैं उनका पालन आपको ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों मैं हूँ नीर वाटरफॉल पर और यहाँ के जो नज़ारे हैं, कुछ सीन हैं, वो कुछ ऐसे हैं। ज़बरदस्त जगह है ऋषिकेश के अंदर और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। तो ये नीर वाटरफॉल का जो एरिया है कुछ ऐसा है, आप देख रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स हम हैं नीर वाटरफॉल ऋषिकेश के अंदर और साथ में हमारे आदिल भाई एंजॉय करते हुए इस वाटरफॉल को। तो आदिल भाई कैसा ट्रिप रहा आज का आपका? ट्रिप बढ़िया रहा, गर्मी ज़्यादा है लेकिन अगर आप नहाएंगे नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा, नहाना तो पड़ेगा भाई। तो भाई कैसे भी आओ और यहाँ पर ज़रूर नहाओ नीर वाटरफॉल। ये खीरे वगैरह बिक रहे हैं तो बॉडी के अंदर वाटर की कमी नहीं होनी चाहिए, वाटर पीते रहें, ट्रैकिंग करते रहें। तो ये सब कुछ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिल जाती है। अरे बोले ना कल कौन सी उठी तो दोस्तों आज है ऋषिकेश के अंदर और आपको दिखा रहा हूँ मैं ये व्यू और ये सारे नज़ारे हैं ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश अगर आप आ रहे हो तो राफ्टिंग करो यहाँ पर आकर, और एक वाटरफॉल है
नीर वाटरफॉल आप वहाँ पर भी जा सकते हो जो 10 किलोमीटर दूर है ऋषिकेश शहर से। तो ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नीर वाटरफॉल से थोड़ी ऊपर की जगह है। जब आप नीर वाटरफॉल जाते हो तो उससे ऊपर का जो इलाका है वो ये है, और यहाँ से देखिए गंगा रिवर दिखाई देती है पूरी। ये देखिए मेरे बैक साइड में आपको दिखाई दे रही होगी गंगा रिवर। तो ऋषिकेश मस्त जगह है, वैसे तो ये एक धार्मिक नगरी है लेकिन टूरिस्ट प्लेस भी है, और यहाँ पर टूरिज़्म भी काफ़ी ज़्यादा है और अच्छा स्कोप है टूरिस्ट के लिए भी यहाँ पर। तो ये सारे नज़ारे आप ऋषिकेश से देख रहे हो।